हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सॉल्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही इजी सा मेकअप है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने दिवाली पे किया था और इजी सिंपल सा है। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया है टोनर। टोनर लगाने के बाद मैं आपको उसे थोड़ी देर सूखने देना है, उसके बाद ही कोई भी मॉइस्चराइजर या सीरम अप्लाई करना है। टोनर लगाने से पहले का प्रोसेस आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, क्लिंजिंग कर सकते हैं या फिर फेस वॉश कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ फेस वॉश किया था, उसके बाद में मैंने टोनर अप्लाई किया है। फिर उसके बाद में आपको टोनर लगाने के बाद में आप अगर सिरम लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास सिरम नहीं था, मेरा सिरम ख़त्म हो गया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया है। तो सिरम आपको डीपली हाइड्रेट, आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करके रखता है। तो आपको सिरम लगाना है, उसके बाद में आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपको ऊपर ऊपर हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, लेकिन आपको डीपली हाइड्रेट चाहिए, आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखे, तो आपको सिरम अप्लाई करना है फिर मॉइस्चराइज़र। फिर मैंने यहाँ पे एक लिप बाम लगाया था जो मेरे लिप्स को भी हाइड्रेट करके रखे। कोई भी मेकअप के पहले आप थोड़ा सा लिप बाम लगा लें, जो आपके पूरे मेकअप तक, मतलब आपके जो लिप्स रहेंगे वो भी थोड़े मॉइस्चराइज मॉइस्ट हो जाए और हाइड्रेट रहे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इनसाइड का प्राइमर। उसके बाद में आपको यूज़ करना है प्राइमर। प्राइमर अच्छे से अप्लाई करने के बाद में फिर आप यूज़ करें इल्यूमिनेटर, जो कि मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है। इल्यूमिनेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा शाइन ऐड हो जाता है, और ये आप फाउंडेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने और फाउंडेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन के बाद भी और पहले भी, पर मैं इसे पहले यूज़ करती हूँ, पहले उसे अप्लाई कर लेती हूँ, देन उसके बाद में आपको यूज़ करना है कंसीलर। कंसीलर मैं मतलब वैसे तो मोस्टली फाउंडेशन के बाद ही लगता है, लेकिन मैं फाउंडेशन से पहले लगाती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन से पहले वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो अलग सा नहीं लगता, फाउंडेशन के बाद वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं पहले लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद में उसको आपको कोई भी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। देन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शुगर का फाउंडेशन, मैंने शुगर का फाउंडेशन यूज़ किया है। इस तरीके से आप इसे लगा ले, इसे नेक पे ना छोड़े, नहीं तो नेक का कलर और फेस का कलर डिफरेंट लगेगा आपका। तो आप फेस पे और नेक पे दोनों साइड उसे अप्लाई कर ले, और इसके साथ एक छोटा सा ब्रश भी आता है, आप उससे भी उसे अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ इस पफ से। तो इसे आप थोड़ा सा गीला कर ले, उसके बाद में उसको थोड़ा सा निचोड़ के उसके बाद में इसे यूज़ करें, और अच्छा लगता है इसी से ब्लेंड करना, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आपको इसे ब्लेंड करना है, बस उसी के बाद में आपको यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मैंने यूज़ किया है शुगर का। शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, उसे आपको टैप टैप करके यूज़ करना है। देन मैंने यूज़ किया है यहाँ पर स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट, जो कि इस तरीके से आप आईब्रो को सेट कर ले। आईब्रो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लुक को इन्हांस करता है और बढ़ाता है, अच्छा लगता है, तो आप आईब्रो अच्छे से सेट करें। फिर मैंने यूज़ किया है काजल, मुझे काजल थोड़ा डार्क लगाना पसंद है, तो मैंने डार्क लगाया है काजल। आप हाँ थोड़ा लाइट लगा, किसी को लाइट पसंद है तो वो लाइट लगा सकता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क लगाया है। बस इस तरीके से आप काजल लगा सकते हैं। बस इस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है, काजल आप अपने हिसाब से लगा लें। फिर उसके बाद आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, जो कि मैंने पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना है, तो मैं पिंक कलर का आई शेड लगा रही हूँ। पहले आप उससे अप्लाई कर ले, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि आप आई शेडो लगाने से पहले आप कंसीलर लगाएं, कंसीलर के बाद थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, एंड देन उसके बाद में कोई भी आई शेडो अप्लाई करें, फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। मैंने लाइट पिंक कलर जो पूरा अप्लाई कर लिया है, उसके बाद में इस तरीके से आप इसे ब्लेंड करें। फिर उसके बाद में मैंने गोल्डन शेड लिया है, क्योंकि मेरे लहंगे में गोल्डन कलर भी था, तो मिरर वर्क भी था, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा लगाया है। बीच में आप क्या करें, गोल्डन लगाया था मैंने, उस तरीके से लगा ले, और कोई भी जो शिमरी जो रहता है ना आई शेडो, वो बीच में आप अप्लाई कर ले, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लुक वाइज। बस इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देन मैंने लगाया है इसे मस्कारा, फिर मैंने अप्लाई किया है उसमें मस्कारा,
मश्कारा लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर फिर मश्कारा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर रैने का फेब 5 वाला लिपस्टिक यूज़ किया है। मैं ऐसे निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया और ये वाला कलर मैंने लगाया है। बस इस तरीके से आप लगा लें और उसके बाद में आप हाईलाइट कर लें। बस बहुत ही इजी सा मेकअप था, आप कोई भी कर सकते हैं। और हाईलाइट आप लास्ट में हाईलाइट कर लें, और आपको अगर ब्लश वगैरह लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से अपने नोज़ एरिया पे साइड में ऐसे लगा लिया है, हाईलाइट कर लिया है। फिर मैंने ईयरिंग्स और एक छोटा सा नेकलेस पहना था, वो किया है, वो पहना है। अभी मैं ईयरिंग्स पहन रही हूँ। उसके बाद में मैंने चूड़ियाँ पहन ली, जो जो मेरा सामान था वो मैंने, जो मुझे ज्वेलरी पहननी थी मैंने वो पहन ली। फिर उसके बाद में मैंने नेकलेस पहन लिया है, और नेकलेस पहनने के बाद में मैंने मेरे हेयर्स ओपन ही रखे थे, बस साइड से एक दो क्लिप लगा ली थी और एक इधर से लगा ली थी। इस तरीके से आप मैंने सिंपल सा हेयर स्टाइल किया था और चुन्नी पिनअप कर ली, और ये मेरा लुक क्रिएट हो गया। बहुत ही ईजी था और दिवाली के लिए मुझे सही लगा, मैंने ये कर लिया। आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा? ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।